छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष के लिए शनिवार को मतदान हुआ। इस चुनाव में अजीत दुबे 55 वोट पाकर अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए। उनके प्रतिद्वंदी वेद शर्मा को 20, हरीश कोडोपी को 13 और पवन रूपालिया को 17 वोट मिले। एक प्रकार से कहा जाए तो अजीत दुबे ने एक तरफा जीत दर्ज की। इस जीत के लिए वन कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश मिश्रा ने अजीत दुबे को बधाई देते हुए अच्छे से कार्य करने के लिए शुभकामनाएं दी, साथ ही वेतन वृद्धि समेत अन्य मांगों को लेकर पूरी ताकत से अपना पक्ष रखने को कहा। संघ के आज जो चुनाव हुआ उसके प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अजीत दुबे जी का चुना गया, उसके लिए मैं छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ की ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते इस टीम का पहले मैं लगभग 9 साल प्रतिनिधित्व किया हूँ प्रांताध्यक्ष का, तो ये मेरी जवाबदारियाँ हैं। कुछ विजन जो है छोड़ा हुआ है मेरा, तो मैं अपने अनुजों से चाहूँगा कि उसको पूरा करने के लिए संघर्ष करें। जैसा कि दुबे जी के पास चुनौतियाँ काफ़ी हैं, सबसे पहला तो हमारा वेतन से संबंधित है, जो बहुत काफ़ी कम वित्तीय भार के लोग लेके है, जिसमें अजीत दुबे के पास जो चुनौती है उसको संघर्ष करना होगा और संघर्ष करके पाना होगा, ये सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरा सेटअप का पुनरीक्षण है, और साथ ही हमारे जो 180 पद तेंदुपत्ता के सीधी संविदा के रूप में भर्ती कर दिया गया, तो उस पर हम 90 पद हमारा वापस आया, 90 पद जो है वो संविदा के रूप में भर्ती कर लिया गया है, तो उसको भी हमको वापस लाना है, ये भी एक चुनौती है। और संगठन के पास तो समय समय पर चुनौती रहती है। अजीत दुबे एक युवा साथी हैं, और मैं जहाँ तक समझता हूँ छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ का परंपरा रहा है कि भले चुनाव हो लेकिन एक साथ मिलकर काम करते हैं, एकता का प्रतीक है। जो मेरे भाई 3 लोग जो खड़े हुए थे निर्वाचन में, वो भी हमारे छोटे भाई हैं, तो उनको भी शुभकामनाएं देता हूं कि आपने संगठन में एकता का प्रतीक दिया है और साथ मिलकर काम करेंगे। इसी के साथ छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ के पूरे नए जो टीम बनेगी उसको मेरी शुभकामनाएं हैं, बधाई। छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ के नव निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष अजीत दुबे ने सबका आभार जताते हुए कहा कि उन पर जो विश्वास जताया गया है उस पर वे खरा उतरेंगे और जल्द ही कार्यकारिणी का गठन भी किया जाएगा। वहीं वन कर्मचारी संघ के मीडिया प्रभारी पवन पिल्ले ने जीत के लिए अजीत दुबे को बधाई दी। आज कर्मचारी छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ के एकता की जीत हुई है। हम सभी और मैं सभी मतदाताओं का जो हमारे सभी संभागों से आए थे उन सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और हम आगे भी सब मिलजुल कर काम करेंगे। अभी कर्मचारियों की पिछली भी जो मांग रही है सेटअप का और ग्रेट पे का, तो उसको लेके हम आगे बढ़ेंगे, और निश्चित रूप से हम एक सशक्त संगठन पे मैं काम करूंगा, और जो मेरे पे विश्वास जताया है कर्मचारियों ने उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। अभी तो अब आज तो विजयी हुए हैं, अब इसके बाद हम बैठेंगे वरिष्ठों के साथ, फिर चर्चा करके फिर सभी के साथ मिलकर फिर कार्य करेंगे इस पर। धन्यवाद। आज जैसा कि आपको विदित होगा कि हमारे प्रदेश में छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन था, इसमें 4 कैंडिडेट खड़े हुए थे, उसमें से हमारे जो रायपुर के अजीत दुबे भाई हैं उनको 55 मत मिला, और एक को 23 और 24, 17 और 13, 3 कैंडिडेट का ये रहा उनका मतदान का आंकड़ा।